अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अग्निपथ योजना से जुड़े क्या हैं युवाओं के 10 बेहद जरूरी सवाल और क्या हैं उनके जवाब? वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाए सीने की शान। सेना के तीनों अंगों में जवानों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया। ऐलान के वक्त सरकार ने इसे लेकर कई दावे किए, लेकिन देश के युवाओं को ये योजना पसंद नहीं आई। पिछले एक हफ्ते में देश के कई राज्यों, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसे लेकर जिस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया, उसके बाद सेना के तीनों अंगों के बड़े अफसरों को मीडिया के सामने आकर सफाई देने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे में इस योजना से जुड़े उन 10 सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है जो युवाओं के जहन में उमड़ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि अग्निपथ योजना है क्या? कौन से लोग वो होंगे जिनकी भर्ती इस योजना के तहत हो पाएगी? दरअसल अग्निपथ योजना रक्षा मंत्रालय की लाई गई एक नई योजना है, जिसके तहत भारतीय सेना के तीनों अंगों, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में लोगों की जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती हो सकेगी। एक बार भर्ती हो जाने के बाद उनका कार्यकाल 4 साल का होगा और इन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके साथ ही अब से इन पदों पर भर्ती के लिए चलने वाली दूसरी अन्य योजनाएं खत्म हो जाएंगी। यदि आप 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के हैं, तो आप इस योजना के तहत भर्ती होने के लिए आवेदन दे सकते हैं। कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी, इसीलिए अपवाद के तौर पर सिर्फ इस साल उम्र की अधिकतम सीमा में 2 सालों की छूट दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इस साल 23 साल तक की उम्र वाला कोई भी युवा भर्ती की इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा सवाल यह कि क्या तीनों सेवाओं के अफसरों की भी बहाली अग्निपथ योजना के तहत होगी? जवाब, ऐसा नहीं होगा। ये योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है, उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहे। तीसरा सवाल, इस योजना के तहत कितने जवानों को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा? सैन्य मामलों के विभाग के मुताबिक पहले साल यानी इस साल सेना के तीनों अंगों में कुल मिलाकर 46,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। अगले 4-5 सालों के दौरान ये संख्या बढ़कर 50,000 से 60,000 हो जाएगी, यानी कि हर साल आगे 50,000 से 60,000 युवाओं की भर्ती होगी। उसके बाद फिर इसे बढ़ाकर हर साल 90,000 से 1,20,000 तक कर दिया जाएगा। अब चौथा सवाल यह है कि अभी सेना के तीनों अंगों में कुल कितनी वैकेंसी है और इस योजना की मदद से क्या इन सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा? दिसंबर 2021 तक जवान या अफसर रैंक के नीचे के कर्मिकों में थल सेना में कुल 97,177, वायुसेना में 4,850 और नौसेना में कुल 11,166 पद खाली हैं। इन खाली पदों की एक वजह ये भी है कि कोरोना महामारी के चलते भर्ती की सभी प्रक्रियाओं को टाल दिया गया था। यही नहीं, सेना के तीनों अंगों में हर साल हजारों जवान या तो सेवा पूरी करके या वक्त से पहले रिटायर हो जाते हैं। अकेले थल सेना में हर साल करीब 60,000 कर्मिक रिटायर होते हैं, 14,000 लोग वक्त से पहले रिटायर हो जाते हैं। पांचवा सवाल, क्या अग्निपथ योजना के तहत बहाल होने वाले जवानों के लिए काम करने की शर्तें और भत्ते बाकी जवानों से अलग होंगे? इसके जवाब में सेना के तीनों अंगों ने कहा है कि काम करने की शर्तें हों या हर तरह के भत्ते हों, चाहे वो दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाला या राशन या यूनिफॉर्म या यात्रा के भत्ते हों, सबके सब पहले के जवानों जैसे ही होंगे। हालांकि अग्निवीरों को महंगाई भत्ता और मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा। छठा सवाल, 4 साल की सेवा करके सेना छोड़ने के बाद अग्निवीर किसी तरह के पेंशन, ग्रेच्युटी लाभ, कैंटीन सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा पाने के हकदार होंगे, जैसा कि ये अभी पूर्व सैनिकों को मिलते हैं। इसके जवाब में सेना ने ऐलान किया है कि सेवा में रहने के दौरान अग्निवीरों को हेल्थ और कैंटीन सुविधाएं मिलती रहेंगी जो फौज की सेवा के दौरान मिलती है, लेकिन एक बार 4 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद उन्हें ना तो किसी किस्म की पेंशन या ग्रेच्युटी सुविधा मिलेगी, ना ही वो पूर्व सैनिकों को मिलने वाली मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं पा सकेंगे। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों का दर्जा भी नहीं मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। ऐसे में सातवां सवाल यह है कि क्या अग्निवीरों को प्रमोशन मिल पाएगा? इसका जवाब यह है कि सेना में अग्निवीर अपने आप में एक अलग रैंक होगी। नियम के मुताबिक 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद कोई अग्निवीर सेना के किसी भी अंग में तभी नियमित हो पाएंगे जब वो जूनियर कमीशन ऑफिसर या इन जैसे पदों के रेगुलर नियमों द्वारा शासित होंगे। अब आठवां सवाल, अग्निवीर क्या अलग बैच पहनेंगे? क्या उन्हें भी नियमित जवानों की तरह सम्मान और पुरस्कार मिल सकेगा? जवाब है हाँ।
नियमित जवानों से अलग दिखने के लिए अग्निवीरों को अपनी वर्दी पर अलग बैच लगाना होगा, लेकिन सेवा करते हुए उन्हें बाकी जवानों की ही तरह सम्मान और पुरस्कार मिल सकेगा। नौवां सवाल, क्या अग्निवीरों को किसी मुश्किल या चुनौती वाली जगह जैसे सियाचिन या किसी पनडुब्बी में तैनात किया जा सकेगा? तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया है कि इनकी तैनाती और ट्रांसफर के मामलों में कहीं कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अब दसवां सवाल, विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारें या उद्योगपति हर रोज इस बारे में नए नए ऐलान कर रहे हैं, क्या इससे ये पता नहीं चलता कि सरकार ने इस योजना को लेकर सही तरीके से प्लानिंग नहीं की थी? जवाब, इस योजना की आलोचना करते हुए कई जानकारों ने यही बात कही है। हालांकि इसके बचाव में सरकार ने यह तर्क दिया है कि एक बार जब रक्षा मंत्रालय ने इस योजना का ऐलान कर दिया, तब इसमें सहयोग करने का काम विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों का है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले वक्त में इस बारे में और ऐलान किए जाएंगे।